कृषि के क्षेत्र में जैविक जनपद घोषित होने के बाद भी रुद्रप्रयाग में काश्तकारों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जैविक जिला घोषित होने के कारण यहाँ रासायनिक खादें तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन अब तक जैविक दवाइयाँ यहाँ मौजूद नहीं हैं। ऐसे में फल के बागीचों में कीट की समस्या पैदा हो गई है। इसके साथ ही जानवरों और पक्षियों से भी किसान परेशान हैं, जिसके लिए जाली लगाने की मांग कर रहे हैं। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो पहाड़ में सारी जगह है वो यहाँ भी है, बंदर, लंगूर और सुअरों की। इनकी कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही इनकी। इनका आतंक इतना है कि जो पेड़ हैं, बड़े बड़े फलों के पेड़, अमरूद हैं, आम के, उनको तोड़ करके तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। इतना नुकसान, इनकी संख्या इतनी बढ़ गई। लोग ने जो है खेती करना, यहाँ पर पेड़, नए पेड़ लगाना से भी लोग कतरा रहे हैं। जानवरों और पक्षियों से रक्षा के लिए जाली मंगवाई जाए ऊपर, ताकि उनको हम कवर कर सकें, उन पेड़ों को, उनसे हम फल प्राप्त कर सकें। नंबर दो, हमने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो है जैविक जनपद घोषित हो गया है, इस वजह से यहाँ पर जो रासायनिक दवाइयाँ वो नहीं मिल रही हैं, तो जो जैविक दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को यहाँ पर मंगवाया जाए, ताकि हम हमारे जो फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनके जो कीट लग रहे हैं उन पर रोकथाम कर सकें। वहीं जिले के उद्यान अधिकारी योगेंद्र चौधरी ने अमरूद, आम, कटहल और नींबू समेत कई बगीचों का निरीक्षण किया, जिसके बाद पैदावार में आ रही समस्या को देखा और स्वीकारा। बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। जो भी बगीचे देखे गए, जैसे अमरूद का था, जो फल खराब हो रहे हैं, किसी में जो है फ्रूट बोरर लगा हुआ है, किसी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो किसानों को अब पूरी ये जानकारी नहीं है कि जो है फ्रूट बोरर्स के लिए क्या डालना है। और ये जिला जैविक हो गया है, इस वजह से दवाइयाँ उपलब्ध होने न होने की वजह से ये सब कंडीशंस आ रही हैं, जिसके लिए न तो दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, न अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं। अब किसान जाए तो जाए कहाँ। बता दें कि जैविक उत्पाद बाजारों में उपलब्ध नहीं है, ऐसे में कृषि विभाग काश्तकारों को तकनीकी जानकारियां दे रहा है। बहरहाल जैविक दवाइयों को कृषि अधिकारी कब तक उपलब्ध करा पाते हैं कह पाना भी मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि सरकार की खामियों की मार काश्तकार को कब तक झेलनी पड़ेगी।